3 and 4 वुपी शिट खाने को कुछ भी नहीं मिला। हे गाइस दिस इज सृष्टि, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर सेफ। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमें सुबह शाम दिन रात का जो खाना है वो ये डाइस बताने वाली है। ओ बेटा जी, अब आप सोचोगे वो कैसे। तो जैसे मैं डाइस रोल करूंगी और इस पे नंबर आया मान लो 1 और इस पे नंबर आया मान लो 5, तो जो भी आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही होंगी तो मुझे उन नंबर से वही चीजें खानी होगी आज। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, तो डाइस रोल करके देख लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या आता है हमारा। तो ये हमने जुगाड़ू बोर्ड निकाला है मम्मी ने, इस पे रोल करते हैं ताकि इधर उधर ना उछले। हे भगवान, कुछ बढ़िया सा है यार। 4 और 5। तो गाइज डाइस रोल करने के बाद हमारा आया 4 और 5। तो 4 और 5 पे है बॉर्नविटा मिल्क और 5 पे है पराठा। तो एकदम सॉर्टेड ब्रेकफास्ट मिला यार। सुबह सुबह मुझे वैसे ही बॉर्नविटा वाले मिल्क पीने की आदत है। अच्छा, और साथ में मिल गया पराठा तो एकदम पेट फुल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं अपना यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। तो गाइज हमारा पनीर पराठा और बॉर्नविटा मिल्क आ चुका है। ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट यार। डाइस ने भी मेरा इतना गजब साथ दिया ना, और सुबह सुबह मिल गया हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता विद मक्खन बहुत सारा। तो पराठे के ऊपर मक्खन ना लो यार, पराठा खाने का मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी। इतनी गर्मी हो रही है मक्खन भी फैल चुका है। क्या स्वाद पराठा बना है, ओए होए मजा आ गया। सुबह सुबह ना दिन बन गया और शुरुआत अच्छी हो गई। तो देखते हैं कि आगे के चैलेंज में क्या होता है। अभी तक तो बढ़िया सॉर्टेड ब्रेकफास्ट मिल गया, तो मैं इसको फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट लंच टाइम पे। देखते हैं यार लंच टाइम पे हमारा डाइस साथ देती है या नहीं। सो लेट्स मीट एट द लंच। हेलो गाइज इट्स लंच टाइम। तो देख लेते हैं कि लंच में हमें क्या सजेस्ट करता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो लेट्स रोल आवर डाइस और देखते हैं कि लंच में क्या आता है। आई होप कुछ बढ़िया सा है यार। पूरी महाभारत फील है हमारे बोर्ड की आज। तो शकुनी मामा बन जाते हैं और अपना जो डाइस रोल करते हैं। क्या आया? 1 and 2 सैलड और रोटी आया है। कोई भी सब्जी नहीं खानी मुझे साथ में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी यार। लंच में कुछ भी नहीं मिल रहा सब्जी, तो रोटी और सैलेड खा के ही अपना पेट भरना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने किचन में और लेते हैं अपना लंच। A few moments later. गाइस तो सैलेड का कोई सामान नहीं था हमारे पास, तो मैं मंडी से जाके फटाफट लेकर आई हूँ अपना सैलेड का सामान, क्योंकि ऐसी चीजें हम रखते नहीं है। तो आज इसी बहाने हम कुछ हेल्दी खा लेंगे। तो बीटरूट लेटस और खीरा लेके आई हूँ। तो चलते हैं किचन में और अपनी चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा लंच लग चुका है। इसको मैं लंच नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि घास फूस है लिटरली। जिंदगी बर्बाद हो गया 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और लिटरली जो रोटी है वो सिर्फ मुझे रोटी खानी है। और ये मैंने इसको बहुत ज्यादा सजाने की कोशिश करी है ताकि दिल को तसल्ली मिले कि आज कुछ नहीं खाना। तो बीटरूट खीरा लेटस वगैरह और जरा सा पनीर डाला है और नींबू वगैरह छिड़क के इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश करी है। तो अपना लंच करते हैं अब सीधा। नो ऑफेंस यार, पर लोग कैसे खाते हैं घास फूस? सिर्फ और सिर्फ सैलड खाना पड़ रहा है यार। कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाना होता साथ में तो मजा आ जाता। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सूखी रोटी
हे भगवान क्या जुलुम है। इतना अच्छा अच्छा ऑप्शन था, उसमें पिज्जा था और कोई सब्जी वाला ऑप्शन भी था कि दाल बनी हुई थी तो दाल आ जाती। यार क्या है, मतलब ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है आज लंच में। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट। तो आज की सिचुएशन पे बहुत मस्त गाना याद आया मुझे, रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों की खाके आया मजा बड़ा। बट मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया रुखी सुखी रोटी खाके और हमारा रूखा सूखा सैलेड। तो ये था हमारा आज का लंच, तो मैं इसको फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट इवनिंग टाइम पे। आई होप इवनिंग में कुछ बढ़िया बढ़िया खाने का मिले, तो लेट्स मीट एट इवनिंग टाइम। हेलो गाइज, इट्स इवनिंग टाइम और शाम के बज रहे हैं 5:15 का टाइम हो रहा है और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि यार लंच से तो बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ और बिल्कुल भी भूख नहीं मिटी मेरी। तो अब इवनिंग में देखते हैं कि इवनिंग में क्या आता है, आई होप कुछ बढ़िया सा आए और मेरा पेट भर जाए। तो डाइस रोल करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो गाइज अब डाइस रोल करके देखते हैं, यार आई होप चाय मिल जाए। यार अब मुझे चाय पीनी है सीरियसली। चाय के लिए क्या चाहिए हमें, 3 नंबर। हे भगवान 333, हे भगवान 333, 3 and 4 भूपी। शिट, खाने को कुछ भी नहीं मिला। क्या 3 और 4 आया यार, डाइस का गेम कुछ जम नहीं रहा। चाय तो मुझे मिल गई बट खाने को कुछ भी नहीं मिला यार। नट्स खाने पड़ेंगे आज, पता नहीं कौन से जन्म की मेरी डाइट हो रही है। तो आई होप कुछ डिनर में बढ़िया मिल जाए यार। चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी चाय। तो गाइस आज चाय एंड नट्स आर हियर और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नट्स भी मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी वरना शरीर में गर्मी करेगा ये। तो इसमें बहुत सारे नट्स हैं तो ये भी मैं थोड़े बहुत ही खाऊँगी, साथ में चाय तो मिली है एटलीस्ट, शाम की थकान तो दूर हो जाएगी। तो चाय और नट्स खाएंगे अभी हम एटलीस्ट, यार डिनर में कुछ बढ़िया सा मिल जाए क्योंकि ना भूख जो है अब कंट्रोल नहीं हो रही। कंट्रोल रात तक देखते हैं कि क्या मिलता है यार। डिनर का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। किसी किसी चैलेंज में जो किस्मत है इतना बढ़िया साथ देती है और किसी किसी चैलेंज में ना किस्मत एकदम फूट जाती है। ये उन चैलेंजेस में से है जिसमें मेरी आज किस्मत चली नहीं रही यार। ये डाइस ना बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे मेरा। Why God, why? इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, मैगी था, टोस्ट था, उसमें से कुछ आ जाता यार पेट भर जाता मज़ेदार वाला, बट मिला क्या नट्स। तो चलो कोई बात नहीं, इसको फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं डिनर टाइम पे। हेलो दोस्तों, दिल से बुरा लगता है यार कुछ भी खाने को नहीं मिला सुबह से। आई होप डिनर में कुछ बढ़िया आ जाए और प्रे करो कि 1 नंबर आए। आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी तो प्रे करो यार 1 नंबर आए ताकि आज मैं अपनी पार्टी कर सकूं। 1 like is equal to 1 prayer। तो लाइक कर देना वीडियो को। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और देखते हैं कि क्या आता है हमारे डिनर में। लास्ट हमारा उसमें इवनिंग में 4 और 3 पे एंड हुआ था, तो अब देखते हैं यार प्लीज 1। कुछ तरीका है भीख मांगने का? प्लीज कुछ खाना है मुझे। ओ दोनों ही बनाया है, ओ दोनों ही बनाया है, ओ बल्ले। आज की पार्टी मेरी तरफ से भाई, दोनों बन के बनाया। वन वन आया मत। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मतलब मैं और कुछ नहीं लूंगी लिस्ट से, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर है और वो बिल्कुल सफिशिएंट है यार मेरे लिए। तो फटाफट ऑर्डर करते हैं यार, देखते हैं क्या मंगाती क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा। तो ऑर्डर आने के बाद मिलते हैं। आप क्या मंगाऊं? पिज्जा। गाइस तो हमारा ऑर्डर आ चुका है और डोमिनोज से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। तो डोमिनोज से हम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं भाई। इतनी सारी ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स दिए हैं इन्होंने। अगर आप अग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। Thank you.
किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश कर देती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो भाई मुझे भी मिला दिया है मेरे यमी यमी पिज्जा से। यमी यमी पिज्जा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर में करा है डोमिनोज का पिज्जा, और बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। लिटरली सुबह से कुछ ढंग का खाया भी नहीं, और अब सारी कैलोरीज पूरे दिन की एक साथ लेने वाली हूँ मैं। हम उन लोगों में से हैं तो भाई जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज ले सकें। मतलब कुछ भी। तो गाइज मैंने तो अपना फेवरेट ऑर्डर करा है पेपी पनीर, आपका कौन सा फेवरेट है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो भाई डिनर तो एकदम सॉर्टेड हो गया यार, सुबह से भूखे मरे जा रही थी मैं कि यार कुछ मिल ही नहीं रहा था खाने को, अजीब अजीब सी चीज़ें आई जा रही थी, तो अब फाइनली कुछ बढ़िया मिला खाने को। गाइज मैं इसको फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या कंटेंट देखना चाहते हो फ्यूचर वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।